पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बिंदास जियो सोशल फाउंडेशन के द्वारा आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में वैदिक वनप्रस्थ आश्रम बुद्धि विहार नए बिजली घर के सामने वृद्ध आश्रम में भोजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी को भोजन कराया गया। इस अवसर पर रचना अग्रवाल, नीलिमा, रेनू, राशि, आशु, अमिता, ज्योति, विशाल, मनोज इत्यादि सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कौन सी संस्था के बैनर तले क्या कार्यक्रम आयोजित कराया गया आज? हम समाज सेवा का कार्य करते हैं, गरीबों को कपड़े बांट सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ और चीज़ें अरेंज, टॉयज वगैरह अरेंज करते हैं। कौन सा आश्रम है ये और क्या कार्यक्रम हुआ आज? ये वानप्रस्थ आश्रम है, यहाँ पर काफ़ी सारे वृद्ध जेंट्स और लेडीज दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर से छोड़ा हुआ है उनको, लेकिन उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर अपनी इच्छा से भी रह रहे हैं कुछ लोग। कोई भोजन वोजन कराने की व्यवस्था कराई गई हो यहाँ पे क्या था? हाँ जी, आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमने लंच ऑर्गेनाइज किया। आज यहाँ बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम लोग बिंदास जी सोशल फाउंडेशन की तरफ से हम लोग यहाँ पर 10-12 लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने इनके लिए भोजन किया है इसके उपलक्ष्य में। और हम लोगों का मकसद ये है कि हम लोग किसी तरह से इन लोगों को खुश रखें। हम लोगों ने इनसे बहुत बातें भी करी, भजन भी गाए हम लोगों ने बसंत पंचमी में, थोड़ा इनके बारे में जाना, ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे रह रहे हैं, इनकी क्या दिनचर्या है, ये लोग सुबह से शाम तक क्या करते हैं। हम सबको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलकर। आगे भी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और अगली बार हम लोगों का बच्चों के अनाथ आश्रम में जाने